नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गांव से चलने वाले बहुत ही अच्छे बिजनेस के बारे में, जिनको आप शुरू करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा गांव में भी कमा सकते हो। बस इन बिजनेस को चलने के लिए आपको कुछ समय जरूर देना होगा, क्योंकि हर बिजनेस को चलने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगता है। एकदम से कोई भी बिजनेस आपको पैसा बनाकर नहीं देता, कुछ समय तो उसको देना पड़ता ही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से बिजनेस आइडियाज है जिन्हें आप गांव में रहकर भी शुरू कर सकते हो, और इस पर हमने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी और बहुत सारी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गाँव से वो कौन कौन से बिजनेस है जिन्हें आप शुरू करके अच्छा खासा पैसा महीने में कमा सकते हो। इस लिस्ट में पहला बिजनेस आइडियाज है फास्ट फूड का बिजनेस। आप सभी लोग जानते हो कि गांव के लोगों को भी आज के टाइम में फास्ट फूड का कितना शौक है, और वो चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, ये सब खाना आजकल पसंद करने लगे हैं। तो आप अपने गांव में फास्ट फूड का बिजनेस या फास्ट फूड का स्टॉल भी लगाकर अपने काम को शुरू कर सकते हो, और ये काम आपका 5 से 10 हजार रुपए में शुरू हो जाए। तो आप फास्ट फूड का बिजनेस बहुत ही आराम से शुरू करके गांव में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। बस आपके अंदर फास्ट फूड बनाने की कला होनी चाहिए। एक अच्छा खाने का आइटम आप अगर कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर आपके प्रति आकर्षित होता है, आपके स्टॉल या आपकी दुकान पे बार बार आएगा खाने का सामान खरीदने के लिए। तो बस आपको अच्छा खाना, अच्छा फास्ट फूड बनाना आना चाहिए। दूसरा है दवाइयों की दुकान। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है जिन्हें आप गांव में शुरू कर सकते हो, कि गांव में भी लोगों को दवाइयों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, और दवाइयां खरीदने के लिए ज्यादातर लोग शहर की तरफ को जाते हैं या फिर बड़े कस्बे की तरफ को जाते हैं। यहाँ पर आप अपने गांव में ही दवाइयों का मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हो। बस इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। अगर एक बार सरकार से परमिशन मिल जाती है तो आप अपना दवाइयों का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, या फिर आपको इसके लिए बी फार्मा करना होगा। अगर आपने बी फार्मा भी किया हुआ है तब भी आप अपना दवाइयों का मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हो। तीसरा है चाय की दुकान। जी हाँ, आप गाँव में चाय की एक छोटी सी दुकान शुरू करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस आपको चाय की जो दुकान है वो ऐसी जगह खोलनी है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो, भीड़ बहुत ज्यादा रहती हो, या लोग वहाँ आकर बैठते हो। तो आपको ऐसी जगह चाय की दुकान ओपन करनी है, और ये बिजनेस भी आपका बहुत ही कम पैसों में शुरू हो जाएगा, और यहाँ से भी आप महीने का 15 हजार रुपए तो कम से भी कम कमाई लोगे। चौथा है बुक स्टोर। आप सभी लोग जानते हो कि गांव में पढ़ने वाले बच्चों को बुक खरीदने के लिए या तो बड़े कस्बों की ओर जाना पड़ता है या फिर शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो आप अपने गांव में बुक स्टॉल शुरू करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आप वहां पर बहुत सारी चीजें जैसे बुक्स हो गई, कॉपी हो गई, पेन पेंसिल हो गए, और भी बहुत सारे आइटम, पेंटिंग के आइटम हो गए और गिफ्टिंग आइटम हो गई, ये सब रखकर भी अपने काम को शुरू कर सकते हो, और भी डेली जरूरत की चीजें भी आप अपने बुक स्टोर पर रखकर काम को शुरू कर सकते हो। तो बुक स्टोर भी गांव में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगला है जनसेवा केंद्र। जी हाँ, आप सरकार की मदद से एक जनसेवा केंद्र भी ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड या बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं होती है उनके काम को करके लोगों से पैसा कमा सकते हो। यहाँ तक कि आप सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी फिल कर सकते हो, और बहुत सारी जो सरकारी स्कीम चलती रहती है उनका लाभ लोगों को देकर उनसे पैसा कमा सकते हो। बस इसके लिए भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है फल सब्जियों का बिजनेस। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हो कि गाँव में क्या होता है कि हमेशा कोई भी फल की या सब्जी की दुकान आपके पास में नहीं मिलती। फल सब्जियां खरीदने के लिए भी आपको दूर कस्बे में जाना पड़ता है या फिर किसी शहर में जाना पड़ता है। और दूसरा, गांव में क्या होता है कि आपको फल सब्जियां खरीदने के लिए हफ्ते में एक ही बार मार्केट लगती है, एक ही दिन, जिसको गांव में हफ्ता बाजार या पैंट या पीठ भी बोला जाता है। तो आप एक फल और सब्जियों की दुकान भी ओपन करके कमा सकते हो, क्योंकि आज का टाइम गाँव का वो नहीं रहा कि हफ्ते में एक बार सब्जी खरीद के लिया वो पूरा हफ्ते चल जाती है। हफ्ते में सब्जियां खरीदने की जरूर पड़ती है। फल तो यहाँ तक कि आजकल बहुत डिमांड में रहते हैं गांव में भी। तो आप फल और सब्जियों का बिजनेस आप अपने गांव से ही शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। जी हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलकर भी गांव में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी मोस्टली लोगों को बड़े कस्बे या फिर शहर की तरफ को जाना पड़ता है। आप अपनी दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बेच सकते हो, और साथ में
आप इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को रिपेयर करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, साथ ही साथ आप यहाँ पर मोबाइल की एक्सेसरीज भी रखकर उन्हें भी सेल आउट कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेल ज्यादा ज्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट है फूलों का बिजनेस। दोस्तों अगर आपके पास खेत हो या आपके पास जमीन हो तो आप फूलों का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप अपने खेत में फूलों की खेती कर सकते हो और उन्हें मार्केट में अच्छा खासा पैसों में सेल कर सकते हो। तो आप फूलों का बिजनेस शुरू करके भी आप महीने का हजारों रुपए इजीली कमा सकते हो। और लास्ट डेयरी फार्मिंग। जी हाँ, आप दोस्तों गाँव में रहकर गाय भैंस पाल कर भी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप सभी लोग जानते होंगे दूध की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, प्योर दूध मिलना तो और भी ज्यादा डिमांड नहीं है। अगर आप गांव में रहते हो और गांव में अभी रेट जो रेट चल रहा है दूध का वो 70 रुपए केजी चल रहा है, लेकिन अगर आप किसी को प्योर दूध देते हो तो आप 5 रुपए प्लस करके भी दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट घरों में भी सप्लाई कर सकते हो जिससे आप और 5 रुपए प्लस करके ले सकते हो। तो इस तरीके से आप गाँव में दूध बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, अच्छा खासे पैसे महीने के कमा सकते हो। और साथ ही साथ आप किसी भी मिल्क डेयरी फार्मिंग की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, मधुसूदन हो गया, प्राग हो गया, इन सब में से आप किसी की दूध की घी मक्खन इन सब की फ्रेंचाइजी लेकर भी उसको भी शुरू कर सकते हो। और ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि आज के टाइम में गाँव में भी गाय भैंसों का पालना बहुत कम हो चुका है, तो वहां पर भी लोगों को दूध की डेयरी जरूरत पड़ती है। तो आप दूध का काम या डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करके अच्छा खासा पैसा महीने का कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो कुछ बिजनेस आइडिया जिन्हें आप गांव से शुरू करके अच्छा खासा पैसा महीने का कमा सकते हो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि वो आगे फेसबुक व्हाट्सएप जितना भी ज्यादा हो सके इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपका एक भाई हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी का बटन दिया गया उसको दबाकर आज सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए सबसे पहले। और मेरे और भी दो चैनल है जिनको मैंने अभी नया नया शुरू किया है, नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है अंकुर इंजीनियर ब्लॉग, जहां पर मैंने एक ब्लॉग ऑलरेडी डाल दिया क्रिकेट का ब्लॉग है, और एक ब्लॉग आज और डल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाके मेरे ब्लॉग का मजा ले सकते हो, साथ ही मेरी शॉर्ट वीडियो का मजा ले सकते हो। और एक और मैं नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रियल स्टोरी, वहां पर आप मुझे अपनी रियल स्टोरी बताइएगा, मैं अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इन सभी चैनल इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जहां पर भी हो सके वहां मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।